गाड़ी का कंपनी क्लेम माइलेज 24 का है, और अगर मैं इसकी सर्विस की बात करूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। और भाई सीट कवर्स इस तरह से लगवाए हुए हैं इसमें, क्योंकि इसमें आते हैं 6 एयरबैग्स, दो तो है सामने इधर पिलर पे सामने से, एक यहाँ से खुलेगा एक वहाँ से, बाई चांस भाई अनफॉर्चुनेटली ठीक है, वैसे तो ना खुले भाई, सब सेफली ड्राइव करो। ये गाड़ी में मतलब जान नहीं है, थोड़ा अगर आप क्लाइम माउंटेन क्लाइम करोगे थोड़ा गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगी। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। और भाई आज हमारे सामने है मारुति स्विफ्ट 2024 फेसलिफ्ट, जो कि अभी इसका लॉन्च हुआ था भाई। और ये गाड़ी इतनी डिमांड में है कि एक तो इसकी वेटिंग बहुत है आज के टाइम में, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति की गाड़ियों पे वेटिंग है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत बिक रही है सेल्स के मामले में। और माइलेज इन्होंने अब की बार इसमें बढ़ा दिया है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। लुक्स वगैरह तो चेंजेस इसमें किए ही हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। और ये होने वाला है भाई ओनरशिप रिव्यू, जिसमें कि भाई ओनर बैठे हैं हमारे गाड़ी में। प्रियांशु भाई क्या हाल चाल भाई, कैसे हो भाई? ठीक हो? हाँ भाई बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है आजकल भाई? आ जाओ गाड़ी से बाहर आ जाओ भाई, बिजनेस मैन है, काम कर रहे थे अंदर बैठे ट्रेडिंग अपनी, तो भाई को बाहर बुला लेते हैं भाई। और कमेंट करके बताना भाई आपको कैसी लगी है न्यू स्विफ्ट 2024। तो भाई बताओ कितने की बड़ी ऑन रोड, सबसे पहले तो मॉडल कौन सा है? तो ये है मारुति स्विफ्ट का VXI वेरिएंट 2024 पर्ल आर्कटिक वाइट कलर, और ये पड़ी थी हमें 8,30,000 रुपीज़ की। वेटिंग टाइम इसमें ज़्यादा नहीं, 3 हफ्ते का था, बट विद इन 2 वीक्स ये गाड़ी हमें मिल चुकी थी। तो भाई इस सेगमेंट में 8.5 लाख रुपये में i20 भी आती है, बलिनो आती है, और टाटा की एल्ट्रोज भी आती है, और पंच तो आती है भाई, जो कि टॉप सेलिंग है आज के टाइम में 2024 में, सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है टाटा पंच की। तो भाई आपने यही क्यों प्रेफर की अंडर 8.5 लाख? तो विशेष भाई जैसे आपने बोला कि आपने मारुति की ये गाड़ी क्यों प्रेफर करी, i20 क्यों नहीं प्रेफर करी, तो इस सेगमेंट में गाड़ी का कंपनी क्लेम माइलेज 24 का है, और अगर मैं इसकी सर्विस की बात करूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। बात करें अगर टाटा की सर्विस की तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरे रिलेटिव्स पे टाटा की पंच थी एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। ओवरऑल अगर लुक की बात करें ना तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि अब इन्होंने इसमें कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी अच्छे दे दिए, स्पोर्टी लगती है जिसकी वजह से। दूसरी चीज़ इन्होंने इसमें यहाँ पर क्रोम एलिमेंट दे दिया बेस मॉडल से ही, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे DRL से। और विड्थ भी इन्होंने थोड़ी इसमें बढ़ाई है, और दूसरी चीज़ ये कि भाई अब इन्होंने लोगो भी यहाँ पर दे दिया, पहले ग्रिल पर आता था अब इन्होंने यहाँ पर लोगो दे दिया। तो टोटल अगर बात करें लुक्स के मामले में तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है अब। और सेफ्टी को जो लोग बहुत ट्रोल करते थे, जैसे कि भाई ने बताया कि भाई 6 एयरबैग्स दे दिए बेस मॉडल से, स्टैंडर्ड और रेयर से भी देख सकते हो, जो कि इसकी टेल लाइट्स है वो इन्होंने चेंज किए इसमें, ये भी काफ़ी बढ़िया लगती है, दूर से देखोगे तो भाई ऐसा लगेगा LED में है, जैसे ओरिजिनली भी भाई LED में ही है ये लाइट्स, ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है। रेयर लुक काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, और सबसे बेस्ट चीज़ तो भाई ये लगती है मुझे इसमें कि इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्होंने कर दिया, कि अब की बार मारुति ने कुछ तो किया है भाई, बढ़िया काम किया है गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बाहर से तो है ही, अंदर से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी डैशबोर्ड यहाँ पर दिया है, ये देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर पूरा नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए इस तरह से, एक VXI वेरियंट है तो यहाँ पर 8 इंचज़ का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, टॉप मॉडल में जाओगे तो 10.5 इंचज़ का आता है। और ये देख सकते हो भाई स्टेयरिंग व्हील, जो जैसे कि इन्होंने स्टैंडर्ड हर गाड़ियों में देती हैं, अब स्विफ्ट में, ब्रेजा में और बलिनो में। क्लस्टर देखो भाई एक बार इसको, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया कि बेस मॉडल से ही एज इट इज़ क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये देख सकते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, और यहाँ पे भाई इस तरह से चार्जिंग पोर्ट वगैरह आ जाते हैं, और 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स है, आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता। और भाई सीट कवर्स इस तरह से लगवाए हुए हैं इसमें, क्योंकि इसमें आते हैं 6 एयरबैग्स, दो तो है इधर पिलर पे सामने से, एक यहाँ से खुलेगा एक वहाँ से, बाई चांस भाई अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, वैसे तो ना खुले भाई, सब सेफली ड्राइव करो। और 2 एयरबैग्स हैं उस तरफ पिलर के लिए, ठीक है, सीट के राइट वाले आर्मरेस्ट में दोनों, हाँ रिस्पेक्टिवली, और उस वाले पिलर पे है फिर, ठीक है, तो टोटल 6 हो गए भैया ना, टोटल 6 हो गए। तो भाई अब भाई को कोई ट्रोल नहीं कर सकता कि भाई गाड़ी आपने अनसेफ ली है, ठीक है, 6 एयरबैग्स हो गए भाई और क्या चाहिए, ठीक है, तो टोटल ओवरऑल बातचीत ये है भाई। और इसीलिए गाड़ी इतनी बिक भी रही है, क्योंकि अब की बार मारुति ने गेम खेल लिया, एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, अब देखना भाई थोड़ा सा इनिशियली वाइब्रेशन तो है, क्योंकि इसमें आता है 3 सिलेंडर इंजन, पहले 4 सिलेंडर आता था तो वो थोड़ा साइलेंट था, इसमें थोड़ा सा आपको वाइब्रेशंस फील होगी जब गाड़ी स्टार्ट होगी, बट उसका फ़ायदा यह है कि भाई इसका माइलेज बढ़ा दिया उन्होंने, 22-23 का क्लेम कर रही है कंपनी माइलेज, तो माइलेज के मामले में काफ़ी सही है। पावर थोड़ी सी घटाई है, 81 BHP आती है अब इसमें,
पर ये है कि भाई इनका कि माइलेज अच्छी मिल जाएगी आपको, ड्राइव क्वालिटी, इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है थ्री सिलेंडर की वजह से, और क्लस्टर तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लगती है। चारों पावर विंडो है इस तरह से, ORVM कंट्रोल्स है, और यहाँ पर भी पूरे फैब्रिक में है भाई सॉफ्ट टच, ठीक है। ORVMs पे आ जाते हैं इंडिकेटर, नीचे इस तरह से पेडल्स आ जाते हैं इसमें, और ऊपर देख सकते हो भाई इस तरह से इसमें हैलोजन में वो है लाइट केबिन की, उससे टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिसेंट लगता है। ये थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक में करवा लो तो टॉप मॉडल वाली फील आ जाती है भाई पूरी। और इसमें एक और चीज़ दे दी इन्होंने कि रेयर का जो सीट रिमाइंडर है वो भी देगा यहाँ पे अब, ठीक है, रेयर में सीट्स लगाओ, क्योंकि रेयर के जो एयर बैग्स है ना वो तभी खुलेंगे अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है रेयर में, तभी खुलेंगे इसके एयर बैग, वरना फ़ायदा नहीं। तो भाई अब ये बताओ, आपने तो बता दिया पॉजिटिव्स हो गए कि गाड़ी माइलेज अच्छा देती है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है भाई, गाड़ी को आज बेचो आज ही कस्टमर इतने मिल जाएंगे आपको, और प्राइसिंग इतनी बढ़िया है, रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है भाई मारुति। अब भाई नेगेटिव्स बताओ कि नेगेटिव्स क्या है इसमें? नेगेटिव ऐसा तो हमें कुछ लगा नहीं, बट एक एस्पेक्ट हो सकता है, जैसे गाड़ी इन्होंने थ्री सिलेंडर में दे दी है, तो जैसे कि भाई ने बोला कि गाड़ी काफ़ी हल्की कर दी है और माइलेज की वजह से कराया उन्होंने थ्री सिलेंडर, इनिशियल पिकअप अच्छा है गाड़ी का, बट वो ये गाड़ी में मतलब जान नहीं है, थोड़ा अगर आप क्लाइम माउंटेन क्लाइम करोगे थोड़ा गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगी। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो थ्री सिलेंडर का जो टेस्ट है ना वो आपको अभी करवा के दिखा देता हूँ। स्लोप है भाई इस तरह से देख सकते हो, चढ़ाई है, और इस चढ़ाई पे गाड़ी देखते हैं भाई कैसे चलेगी विदाउट एक्सेलरेटर, क्या गाड़ी चल पाएगी। तो भाई लगाए गियर, वैसे तो भाई तीन बंदे बैठे हैं गाड़ी में, ऑब्वियस सी बात है गाड़ी नहीं चलेगी, स्लोप है काफ़ी, लेकिन थ्री सिलेंडर में आपको इनिशियली थोड़ी सी वाइब्रेशंस मिलेंगी, पर यह है कि भाई पावर अच्छी खासी निकाल देती है गाड़ी, अंडर पावर आपको इनिशियली गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जैसे कि भाई ने बताया कि भाई चढ़ाई पे थोड़ी सी कांपती है गाड़ी, भाई वो कांपेगी थ्री सिलेंडर है क्योंकि। तो भाई अब गाड़ी का करते हैं टेस्ट, क्योंकि भाई जब तक इसमें व्हील स्पिन की आवाज़ ना आए और 0 to 100 करके ना देखें तो भाई हम बता नहीं सकते कि गाड़ी के इंजन में कितनी दम है। चढ़ाई पे तो गाड़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, ये नहीं कह सकते आप थ्री सिलेंडर इंजन है पावर नहीं है, थोड़ी वाइब्रेशंस हैं होनी भी भाई वो ऑब्वियस सी बात है होगी थ्री सिलेंडर है क्योंकि, लेकिन चढ़ाई पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और अब व्हील स्पिन मार के देखते हैं भाई, पहला गियर लगा दिया तो क्या गाड़ी व्हील स्पिन मारती है। वाह भाई वाह भाई, यहाँ पे थोड़ी वो है छोटे छोटे पत्थर नहीं होते तो उसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आई, प्लेन अगर रोड होती ना तो भाई व्हील स्पिन की आवाज़ आनी थी, अच्छा खासा व्हील स्पिन मार रही है भाई गाड़ी, तो पावर का काफ़ी अच्छी है। 0 to 100 की अगर बात करूँ, 1 2 3 स्टार्ट, भाई गाड़ी व्हील स्पिन तो मार रही है दबा के, और ये भाई तीसरे गियर में बड़े आराम से 100 भाई स्टेबिलिटी में, तो भाई मैं इसको 10 में से 10 दे रहा हूँ अपनी तरफ से। मारुति को भाई लोग अननेसेसरी ट्रोल करते हैं पता नहीं है लोगों को, लेकिन भाई जब तुम इसको पर्सनली चलाओगे ना गाड़ी को तो भाई दिल आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वो बोलते हैं ना भाई थ्री सिलेंडर समझ के अंडर एस्टिमेट मत करना, पावर बड़ी जानदार है गाड़ी में, क्योंकि एक तो हल्की है ऊपर से भाई पावर तो अच्छी खासी मुझे फील हुई, चढ़ाई पे भी चलाई भाई और व्हील स्पिन भी मार के दिखाई, शायद तुम्हें आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि इसमें मैंने माइक लगा रखा है, लेकिन भाई व्हील स्पिन मारी है गाड़ी ने बढ़िया, और 0 to 100 कर ही दिया भाई अपना, देख लेना स्क्रीन पे कितने टाइम में किया है। तो भाई मेरी तरफ से गाड़ी पास है, और इसीलिए भाई मैंने इसका रिव्यू किया कि जिससे लोगों का मिथ्स है ना वो क्लियर हो जाए कि भाई गाड़ी दमदार है और माइलेज बढ़िया निकाल के देगी। भाई अभी तो नई गाड़ी है, 12 का दे रही है, जैसी थोड़ी चलेगी क्योंकि 700 किलोमीटर ही चली है, थोड़ा और ज़्यादा चलेगी तो 20-22 तक बड़े आराम से देगी हाईवे पे, ठीक है, और सिटी में 18 तक, कोई 18-19 तक। तो ये था भाई ओवरऑल प्रियांशु भाई की गाड़ी का रिव्यू, और भी वीडियोज़ आती रहेगी भाई इसमें, बताना अपना कॉमेंट कर करके।